मुझे लगता है कि अनफेयर हुआ है क्योंकि मैं नॉमिनेशन से बाहर नहीं निकली हूँ, घर वालों ने मुझे बाहर निकाला है। जैसा कि मैंने काफ़ी सुना घर वालों से कि सब यही बोल रहे थे, कुछ बोलती नहीं है, बोला कर, ये कर, वो कर। तो मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं उन लोगों को फिर भी वो कम लगा। तो मुझे लगता है ये अनफेयर तो था थोड़ा। रीसेंट इंसिडेंट की बात करूं तो जब रैंकिंग हो रहा था, अविनाश ने आपको कहा कि 14th नंबर पे आप मत जाना, लेकिन हाँ, उन्होंने ही आपको 14th नंबर पे भेजा। कैसा लगा यस, ये देख के? मैं थोड़ा शॉक थी क्योंकि उन्होंने मुझे खुद ने ही बोला था कि 14th पे मत जाना, बाकी सब हम एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन घर वाले किसी फैसले पे पहुंच ही नहीं पा रहे थे। मतलब आई डोंट थिंक सो कि अभी तक कुछ कोई भी ऐसा टास्क हुआ है जिसमें घर वालों ने सामने से कुछ फैसला दिया हो। तो फिर अनफॉर्चुनेटली अविनाश और आरफिन जी को वो मौका मिला कि सबको रैंकिंग दे, तो काफ़ी मैं अपसेट हो गई कि यार आपने बोला था कि 14th पे तो नहीं जाना है। तो मुझे वही फिर भी खड़ा किया, तो उन्होंने बोला कि हमने काफ़ी डिस्कशन किया, ये वो, आरफिन सर के पास बहुत पॉइंट्स थे, ये वो, कि नहीं 14 ही 14 ही। मैंने सोचा यार ठीक ही है, मैं इनसे क्या ही बोलूँ। आई वॉज लाइक चलो ठीक है। घर में काफी लोग आपके दोस्त बनने का लाइक बोलते हैं, ईशा हो, एलिस हो, शहजादा हो, सब बोलते हैं मुस्कान के काफी करीब है। आपको क्या लगता है कौन जेन्युइनली आपके साथ सच में था? क्योंकि सबने आपके टूवर्ड सिंपैथी दिखाई, आपको मोटिवेट किया, तो कौन आपके सच्चे दोस्त है? मुझे जेन्युइनली मुझे लगता है कि विवियन जी बहुत सपोर्ट कर रहे थे। उनकी तरफ से वो बहुत मुझे मोटिवेट कर रहे थे, बाकी सबने भी बहुत किया, लेकिन कहीं ना कहीं सब यही बोल के जा रहे थे कि हम अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, कि हम अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, हम अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। लेकिन विवियन जी वॉज वन जो जेन्युइनली मुझे समझ रहे थे, मैं किस इमोशन से जा रही हूँ, मेरे साथ क्या हो रहा है, अंदर मैं क्या फील कर रही हूँ, वो सब समझ रहे थे। तो मुझे क्या याद है उन्होंने एडवाइस दिया था कि उनसे मैं लड़ूँ, बट वही ना, मैं ऐसी हूँ नहीं कि सामने वाले से वो एक तो मुझसे बहुत बड़े हैं, उनसे बदतमीजी करना, उनको उल्टा जवाब देना, मैं किसी को भी उल्टा जवाब कभी नहीं दे सकती हूँ। अपनी बात रख सकती हूँ, लेकिन ये सुन सुन के कि बोलती नहीं हूँ बोलती नहीं हूँ, और मुझे ऐसा लगा कि यार मैं बहुत ही और साइलेंट हो जाती थी वो सुन सुन के, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट था। दे रहा है कि तुम बोलो बोलो, और अगर वही मुझे नॉमिनेट कर दे, तो मुझे लगा कि यार ये हो क्यों रहा है। एक तरफ आप बोल रहे हो कि करो करो करो, और दूसरी तरफ आप मौका भी नहीं दे रहे हो सामने वाले को कि वो करके दिखाए, तो वो मुझे बहुत बुरा लगा, इसलिए मैं बहुत रोई थी। लगता है विवियन जी ही, क्योंकि वो जैसे हैं गेम में भी वो वैसे ही हैं, और उन्हें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, तो मुझे लगता है कि वो बहुत ही स्ट्रांग है। और अविनाश गेम में इन्वॉल्वमेंट के हिसाब से वो रैंकिंग थी, तो हम सभी को लग रहा था कहीं ना कहीं, क्योंकि वो हर जगह होते हैं, हर जगह अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, और सबके पास जा जाके वो अपनी बातें क्लियर करते हैं, तो उस हिसाब से तो नंबर 1 वॉज फाइन। साथ ही टॉप 2 प्रेडिक्ट कर दिया है, लगता है कितना अनफेयर है बाकी कंटेस्टेंट्स को। अगर आप प्रेजेंट में कुछ कमाल कर दो तो फ्यूचर बदल सकता है, तो मुझे नहीं लगता कि अनफेयर कुछ भी हुआ है, बट आई रियली फील कि विवियन जी को जीतना चाहिए। मुस्कान ये जानना चाहेंगे, आपसे लोगों लोगों की बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी, स्पेशली आपने जो शोज किए हैं उन लोगों की, उन लोगों ने कहा कि आप डार्क हॉर्स बनकर निकल सकती हो, लेकिन जितनी जर्नी रही आपकी, उस पूरी जर्नी में आप नजर ही नहीं आई। व्हाट वाज द रीजन? मतलब फर्स्ट इनिशियल डेज में आपको बिग बॉस ने बुलाकर, जब आप इमोशनल हुई थी तभी आपसे हाँ बात भी की थी, उसके जी, बाद आप तब भी नहीं हुई, खुलकर नहीं दिखने नजर आई, और वो आप पूरी जर्नी में नजर ही नहीं आई। क्या कहना के चाहोगे? लिए मैं कुछ फेक नहीं करना चाहती थी लेकिन कि आप किसी के मैं मुद्दे में कुछ भी बात नहीं करती नजर आई, जब लड़कियों के साथ फाइट भी हो रही तब भी आपने कोई आपका इनपुट नहीं उन दिया लोगों था। की आवाज इतनी तेज है ना, अगर मैं कुछ बोलूंगी तो भी सुनाई नहीं देगा, क्योंकि हम नॉर्मल बात भी करते हैं। अब अभी एक बीच में कुछ हुआ था जिसमें मैं फेकली हम लोग शहजादा जी चुम मैं कुछ ऐसे लाउड आवाज में बात कर रहे थे, तो मैंने भी तब
तब ट्राई किया कि चलो बोलती हूँ, लेकिन उनकी नॉर्मल आवाजें इतनी तेज थी कि मेरा गला लग गया था। तो मैंने सोचा भाई क्या ही बोलूँ मैं, लेकिन मैं जेन्युइनली कहती हूँ कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। मैं एक बहुत ही इंट्रोवर्ट लड़की हूँ, कुछ नहीं बोलने वाली, वहाँ से मैं बहुत बोलना सीख के आई हूँ, थोड़ा बहुत जितना मैं बोल पा रही हूँ, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात रही है। अब वो दिखना नहीं दिखना मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने अपना 100% दिया। आपको आपकी फैमिली के घर पे हाँ, गई बिग थी बॉस के हाउस में एक्सपीरियंस पार्टिसिपेट। करने। बिग बॉस की ऑडियंस अलग है, ऑफ कोर्स मैं चाहती थी कि वो भी मुझे देखे। अनफॉर्चुनेटली जैसा कि आप कह रही हैं कि मैं दिख नहीं पाई, तो उसका मैं कुछ नहीं कर ये मैं सकती, नहीं कह रही हूँ, बट हाँ ये पूरी जनता। ऑडियंस। हाँ यस तो या आई गेव माय बेस्ट, मैं बस यही बोलना चाहूंगी, मैं और क्या बोलूँ। आरफीन सर, उनसे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो गेट आउट लगाएंगे, क्योंकि वही ज्यादा मोटिवेट कर रहे थे मुझे। तो और इसके ईशा और एलिस, सबकी, मैं वहाँ बहन थी, छोटी बहन, सबने मुझे बोला था कि तू बिल्कुल मेरी बहन जैसी है। चाहत बोल रही थी अगर मेरी बहन होती तो मैं चाहती हूँ कि वो बिल्कुल तुम्हारी जैसी होती। तो यार सबसे अच्छा ही बॉन्ड था मेरा। चाहत तो अविनाश की लड़ाई कितनी मतलब फेक है या तो वो बहुत ज्यादा ही लड़ रहे हैं, बिना मुद्दे के भी लड़े जा रहे हैं कैरेक्टर और अविनाश ने कैरेक्टर पर भी उंगली उठाई है चाहत के कि दैट शी लाइक्स हिम नेशनल टेलीविजन पर। तो आपको हाँ कितना सही है कितना गलत लगता है? मुझे गलत तो लगता है, मतलब आप नेशनल टेलीविजन पे ऐसे कैसे बोल सकते हो कि वो आपके प्यार के लिए, आपको देखने के लिए ऐसा कर रहे हैं। बट वो इन द सिचुएशन, यार इंसान करने के पहले सोचता नहीं है, अगर उसको अंदर कुछ फील होता है तो वो कर देता है। तो आई हैव नो आइडिया क्यों कैसे किया। Thank you very much. थैंक यू। थैंक यू।